नमस्कार, आप सभी प्रिय दर्शकों का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे संकष्टी चौथ का या तिल चौथ की, कुछ लोग इसे सकर चौथ भी कहते हैं। माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का शास्त्रों में विशेष महत्व है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य या उनके जीवन की सभी शुभता के लिए करती हैं। 2021 में ये व्रत कब किया जाए, किस तारीख को किया जाए, इस पर बहुत सारे भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं। कुछ लोग इस व्रत को 31 जनवरी को कह रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है कि ये व्रत 1 फरवरी को करना चाहिए। इसलिए आज मैंने ये वीडियो खास आप लोगों के लिए बनाया है। जो भी महिलाएं इस व्रत को अपनी संतान के लिए रखना चाहती हैं या हमेशा व्रत रखती हैं, तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को एक खास उपाय बताने वाली हूँ, जिससे आपके जीवन में सभी नकारात्मकता खत्म हो सके और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का, सकारात्मक शक्ति का प्रवेश हो सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी जानकारियाँ आपको समय पर मिल सके। हर माह में 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में जिसे विनायक चतुर्थी कहते हैं, दूसरी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जिसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस तरह एक वर्ष में कुल 24 चतुर्थी के व्रत आते हैं, लेकिन माघ माह की चतुर्थी का विशेष महत्व माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संकष्टी होता क्या है। इसका अर्थ होता है संकटों को हरने वाली चतुर्थी। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस वर्ष ये व्रत 31 जनवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि चतुर्थी तिथि का आरंभ 31 जनवरी को रात्रि 8:24 से हो जाएगा, जो 1 फरवरी 2021 को 6:24 शाम तक रहने वाला है। भारत में कुछ ऐसे शहर हैं जहां ये व्रत 1 फरवरी को मनाया जाएगा, उनमें से पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार आदि शहरों में ये 1 फरवरी को मनाया जाने वाला है। इस दिन सुबह अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, जैसे कि आप करते हैं कोई मंत्र का जप कर सकते हैं। इस व्रत में जो कथा वर्णित है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। संकट चौथ के दिन गणेश जी के जीवन पर बहुत बड़ा संकट आया था, परंतु वह संकट टल गया था। इसी कारण इसे संकट चौथ या संकष्टी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। कथा के अनुसार माँ पार्वती जब स्नान करने गई तो बाहर भगवान गणेश को खड़ा होने के लिए कहा कि किसी और को अंदर आने मत देना, जब तक कि मैं खुद बाहर न आ जाऊँ। और अपनी माता की बात मानकर भगवान गणेश बाहर पहरा देने लगे। भगवान गणेश अपना उत्तरदायित्व पूरा कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, तो आज्ञा अनुसार भगवान गणेश ने उन्हें माता पार्वती से मिलने नहीं दिया। भगवान शिव को अपना अपमान महसूस हुआ और वो बहुत दुखी हुए और क्रोध में आकर उन्होंने गणेश जी पर अपने त्रिशूल से वार कर दिया और उनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। शोर सुनकर माता पार्वती बाहर आई, अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर रोने लगी और भगवान शिव से उनके प्राण को लौटाने को कहा, और शिव जी ने हाथी के सिर को भगवान गणेश को लगाकर जीवित कर दिया। इस तरह उन्हें जीवन दान मिला और तभी से महिलाएं अपनी संतान की सुरक्षा के लिए ये व्रत विधि विधान और पूरी श्रद्धा से करती हैं। तो चतुर्थी वाले दिन सूर्यास्त के बाद सायंकाल को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान गणेश की पूजा करें। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा या कोई भी फोटो लेकर उसे स्थापित कर दें। धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा अर्चना करके उनको गुड़ और तिल से बने मिष्ठान का भोग जरूर इस दिन लगाएं और अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करें। रात को चंद्रोदय के बाद उनको अर्घ देकर इस व्रत को खोला जाता है। 31 जनवरी को चंद्रोदय का समय रात्रि 8:50 के आसपास का रहेगा, अगर मौसम साफ रहता है। नहीं तो समय ऊपर नीचे हो सकता है, 10-15 ऊपर नीचे भी हो सकता है समय। अब बात करते हैं उस उपाय की जो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। संकट चौथ के दिन आपको ये उपाय करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में
सभी नकारात्मकता खत्म हो सके। इस उपाय को शाम के समय करना है। भगवान गणेश की उत्तर दिशा मानी जाती है, तो आप अपने घर की उत्तर दिशा में ये उपाय करें। एक प्लेट या एक थाली आपको लेनी है, उसमें आपको अंदाज से चावल लेकर उससे चावल की पहाड़ी बनानी है। जैसा पहाड़ होता है वैसा बनाना है। अब आपको एक कांच की बाउल में नमक लेना है, नमक कोई भी हो जो रेगुलर हम घर में यूज़ करते हैं, और उसे थाली के लेफ़्ट साइड से बाहर की तरफ रखना है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि लेफ़्ट में ही क्यों रखा जाए, क्योंकि लेफ़्ट साइड से जीवन की नकारात्मकता देखी जाती है, ये ऋणात्मक ऊर्जा को भी इंडिकेट करती है। अब आपको लेना है एक धागा, अगर धागा लाल हो तो अच्छा है, नहीं तो सफ़ेद धागा भी आप ले सकते हैं। कितना धागा लेना है, आप अपने पूरे हाथ की लंबाई का धागा ले सकते हैं, जो कंधे से आपकी उंगलियों तक हो। उसके बाद उस धागे में आपको थोड़ा थोड़ा गैप में 7 गांठें बांधनी हैं, और हर गांठ को बांधते समय आपको गणेश जी का कोई भी एक मंत्र बोलना है। आप ओम गण गणपते नमः का जाप कर सकते हैं, या कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद थाली में आप इस धागे को राइट साइड में रखें, क्योंकि राइट साइड हमारी धनात्मक ऊर्जा को इंडिकेट करती है, सभी तरह के सकारात्मक बदलाव को इंडिकेट करती है। नमक वाली बाउल आपको थाली से बाहर लेफ्ट साइड में रखनी है, और धागा आपको थाली के अंदर राइट साइड में रखना है। अब आप एक घी का दिया जलाएं, 1 रुपये का सिक्का रखें। अब भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि जीवन की सभी नकारात्मकता को खत्म करके सकारात्मक बदलाव जीवन में लाएं। इसलिए धागे का कलर वाइट या रेड बताया है। ये कलर और राइट साइड हमेशा पॉजिटिविटी के लिए देखी जाती है। ज्योतिष में राइट साइड को सूर्य की और लेफ्ट साइड को चंद्रमा की नाड़ी से भी जाना जाता है। अगले दिन सुबह आप सिक्के को अपने पर्स में रख लें, या जहां आप अपना कीमती सामान रखते हैं, और चावल को पक्षियों को खिला दें। अब नमक को आप अष्टमी तिथि तक घर में कहीं भी रख दें और उसे हाथ ना लगाएं। उसके बाद नमक को आप घर से बाहर या घर के पानी से बाहर कर दें। अपनी किचन की सिंक में भी डाल सकते हैं, या घर के बाहर के पानी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि पानी में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो जितनी भी ऋणात्मक और नेगेटिविटी होती है उसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि पानी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। धागे को आप उठाकर अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में रख लें। जब आपको लगे आपकी मनोकामना पूरी हो गई है, तो अगले माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इस धागे को आप किसी मिट्टी के नीचे दबा दें, घर में या घर के बाहर किसी भी मिट्टी में। और अगर कोई और इच्छा है तो आप चतुर्थी को ही इस प्रोसेस को दोबारा कर सकते हैं। याद रहे, जब तक पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही है तब तक इस धागे को संभाल कर रखें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन ईमेल आईडी और नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।